सावन का महीना चल रहा है। ये महीना शिव जी का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहा जाता है इन दिनों शिव जी की उपासना करने से भोलेनाथ भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मोदी की शिव भक्ति या यूं कहे मोदी के लिए शिव जी का प्यार किसी से छिपा नहीं है। पीएम मोदी शिव भक्त और शक्ति के पुजारी हैं। पशुपतिनाथ से लेकर केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर महाकाल और काशी विश्वनाथ से मोदी जी का अलग ही लगाव बना हुआ है। काशी से चुने जाने के बाद तो मोदी जी शिव के लगभग सभी धामों में पूजा अर्चना कर चुके हैं और इसी पूजा पाठ का असर या यूं कहे जिस तरह से मोदी ने शिव उपासना की, ठीक उसी तरह भगवान भोलेनाथ ने भी उनको आशीर्वाद दिया है। और इस बार के सावन के हर सोमवार को देखते हुए तो लगता है मानो शिव जी पूरे देशवासियों पर मेहरबान है। 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार, चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 पर GSLV MK3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान के सफल लॉन्च के बाद ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार, 3 तलाक बिल पास। मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला सोमवार के ही दिन लिया। वो दिन था 29 जुलाई। मोदी सरकार तत्काल 3 तलाक बिल पर रोक लगाने वाले विधेयक को पेश किया और बिल पास हो गया। 5 अगस्त सावन का तीसरा सोमवार, अनुच्छेद 35A और धारा 370 की जीत। किसी ने सोचा भी नहीं था तीसरे सोमवार भी शिव जी की कृपा बरसेगी। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के करीब 2.5 महीने के अंदर ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A और धारा 370 को हटाने जैसे बड़े और कड़े फैसले ले लेंगी। जी हाँ, ऐतिहासिक फैसला। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। जिस तरह से लगातार तीनों सोमवार ऐतिहासिक रहा, ऐसे में तो बस इंतजार चौथे सोमवार का ही है। अब लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि चौथे सोमवार यानी 13 अगस्त को क्या होगा? क्या राम मंदिर पर कोई बड़ा फैसला आएगा या कुछ और खास? सवाल कई हैं, पर जवाब अब 13 अगस्त को ही मिलेगा। और उम्मीद यही है कि मोदी सरकार और शिव जी निराश नहीं करेंगे। R9 TV के लिए पूजा दुबे की रिपोर्ट।